नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। 2024 के चुनाव में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और अब आरक्षण की यह लड़ाई डीप फेक वीडियो तक आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस मेरा और बीजेपी के कुछ नेताओं का फेक वीडियो फॉरवर्ड कर रही है, भ्रम फैला रही है। डीप फेक वीडियो बनाना कांग्रेस की हताशा और निराशा का प्रतीक है। बीजेपी एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण की समर्थक है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को पराजय का भय इतना सता रहा है कि ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को मोदी की आवाज का उपयोग करके नई नई चीजें घड़ रहे हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भी भेजे गए हैं। जिन लोगों को समन दिए गए हैं उनमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सहित कांग्रेस पार्टी के नेता और कुछ नेता उसमें शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब देते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का समन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के ताबूत में एक और कील है। लेकिन बात इतनी नहीं है। चुनाव के इस माहौल में वोट जिहाद का आह्वान और माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की कुर्बानी का नैरेटिव भी आ गया है। इन सब को देखते हुए एक लाइन में पूछे तो क्या वोट के लिए कुछ भी करेगा? आज अड़ी में बात इसी पर। डीप फेक, कुर्बानी, वोट जिहाद, 2024 का सियासी फसाद, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जयराम रमेश ने इसका जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का समन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के ताबूत में एक और कील है। जिस क्षण कांग्रेस नेता भाजपा की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री पुलिस को उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस चुप है, जबकि भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के फर्जी वीडियो बनाती है और प्रसारित करती है, यह जयराम रमेश ने कहा है। लेकिन पीएम मोदी ने भी आज इस पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान में, यानी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब इनकी हालत यह है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप तीनों का स्वागत है। और प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, एआई विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रोफेसर गीतिका, आपका भी बहुत स्वागत है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन चरण सिंह सापरा, मोहब्बत की दुकान में अब फेक वीडियो। मैं हैरान हूं कि फेक वीडियो का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमारे पे लगा रही है, और शाह तो शाह, देश के तानाशाह भी इस बात को कह रहे हैं, जबकि सारी दुनिया को पता है कि कांग्रेस पार्टी फेक वीडियो का या फेक न्यूज का कभी समर्थन नहीं करती, हमने कभी बढ़ावा नहीं दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है यही फेक न्यूज के संचालक है। और फेक न्यूज का मतलब क्या होता है? झूठी खबर ना। तो देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जिसमें 48 पन्ने हैं, 15,329 शब्द हैं,
कहीं भी हमने लिखा नहीं है मुसलमान मंगलसूत्र विरासत कर, लेकिन प्रधानमंत्री सरेआम पिछले 10 दिन ये बोलते रहे हैं और झूठी खबर, तो क्या ये फेक न्यूज नहीं है? तो प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल रहे हैं और आज अमित शाह के ऊपर आई है, जिस किसी ने बनाया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आज अमित शाह के ऊपर ये बात आई है तो कितना शोर मचाया है, कितना तांडव कर रहे हैं। अरे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी वाले जो कर्नाटक के प्राजल रेवन्ना है, उसके जो 3000 वीडियो हैं जिसमें महिलाओं का यौन शोषण, बलात्कार और ब्लैकमेल जैसी बातें हैं, क्या उन ओरिजिनल वीडियो के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है? प्रधानमंत्री ने जाकर के उसके मंच पर उसके लिए वोट मांगी है। एक तरफ आप भगवान राम के, प्रभु राम के नाम से वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ आप रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मैं आपके सवालों के लिए ही बैठा हूं। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ आप वो रेवन्ना को भगा देते हैं, ग्रीन चैनल से वो चला जाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, मणिपुर की जो वीडियो आई थी जिसमें निर्वस्त्र करके महिलाओं को सरेआम परेड कराई गई थी, क्या वो वीडियो झूठी थी? क्यों नहीं आपने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की? मुख्यमंत्री का राजीनामा क्यों नहीं लिया आपने? इसी तरह से बृजभूषण शरण के ऊपर जो यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं, क्या वो वीडियो झूठी थी? क्यों नहीं आपने उसके ऊपर कार्रवाई करी है? ये BHU में और IIT के अंदर जो बलात्कारी थे कुणाल पांडे और सक्षम पटेल, उनको पकड़ने में को 1 महीना लग गया। बड़ी बड़ी बात करते हैं, फेक न्यूज़ की जननी जो है, बीजेपी के प्रवक्ता आपके इन आरोपों का जवाब देंगे। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, चरण सिंह सापरा, यानी आप भी मानते हैं कि वो वीडियो फेक था जो बनाया गया था गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे को लगाकर, आप मानते हैं ये? हो सकता है, अभी पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। अरे भाई, इन्होंने कितने फेक वीडियो बनाए हैं राहुल गांधी जी पर, हो सकता है, मतलब कांग्रेस पार्टी इस बात को नकार नहीं रही है कि वो वीडियो फेक था। तो आप लोगों ने, आपके नेताओं ने बिना जांचे परखे एक ऐसा वीडियो फॉरवर्ड कर दिया या शेयर कर दिया, या आप पे आरोप है जो आपको लगता है कि हो सकता है फेक हो, आपने उसको ऐसे प्रसारित कर दिया। मुझे ये बताइए कि वो आलू डालो सोना निकलेगा, या अभी भी ये पिछले 72 घंटे में राहुल गांधी जी के वीडियो जो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर जो उन्होंने भाषण किया है, उसको तोड़ मरोड़ के बीजेपी के IT सेल ने डाले हैं ना? तो आपने इसकी FIR कराई है कहीं? डाले, हमने भी कंप्लेन करी है इलेक्शन कमीशन में। तो नहीं, आपने इसकी FIR कराई है? इलेक्शन कमीशन में कल ही अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरे ऊपर ही बोलते जाओगे। कल इलेक्शन कमीशन में वो लिखित रूप में सुप्रिया श्रीनेत जी और हमारे दूसरे राजीव शुक्ला जी, तमाम सारे नेताओं ने जाकर के कंप्लेन दी है। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ये तो बाकायदा FIR हुई है। इलेक्शन कमीशन पर आपने शिकायत दी, लेकिन आपने कोई FIR किसी थाने में कराई? मैं ये पूछ रहा हूं। अरे भाई, ये हमारी FIR लेंगे तो ना, अब हम FIR कराएंगे, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके अंदर भी FIR होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पर जाना पड़ेगा। FIR होगी तेलंगाना में, हिमाचल में FIR होगी, कर्नाटक में FIR होगी। जिस तरह का फेक न्यूज ये फैला रहे हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, तो हमारे शासित राज्य में भी हम करेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं, हम डरने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ओके। सैयद जफर इस्लाम, आप कितनी FIR करवा लीजिए, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज नहीं फैला रहे, ये बीजेपी है जो उनके नेताओं के बारे में फेक न्यूज और फेक वीडियो फैला रही है। वो उदाहरण भी दे रहे हैं, राहुल गांधी का वीडियो। देखिए, हकीकत यह है कि आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 वीडियो दिखाए, एक फेक और एक जो सही वीडियो था। इनको जब हार सामने दिख रही है तो एकदम हाशिए पे कांग्रेस पार्टी, जो मुद्दाहीन पार्टी है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है बात करने के लिए। हर तरह से, जहाँ से भी, जिस तरह की बात कर रही है वहाँ से भी कोई रिसेप्टिवनेस, जनता के कोर्ट में इनको कोई मानता ही नहीं है। ये अपने जो मोहब्बत की दुकान में अब झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं, और वहाँ जहाँ वहाँ ग्राहक नहीं होता था, एक सोचते झूठ का पोतली खोलने से ग्राहक मिलेगा, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलेगा। इसकी देश की जनता समझ चुकी है, कांग्रेस पार्टी हाशिए पे है और कांग्रेस पार्टी आज हार की तरफ बिल्कुल साफ दिख रहा उसको, तो इस तरह के काले करतूत कर रही है। हकीकत है कि अगर आप देखिए, हमने जो चीज़ फैला रहे हैं SC ST के रिजर्वेशन के बारे में, हमने प्रधानमंत्री ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि इवन यहाँ तक कह दिया कि बाबा जी भी अगर आ जाए अंबेडकर जी, तो भी ये चेंज नहीं हो सकता। आज का जो
जो रिजर्वेशन है कोई चेंज नहीं कर सकता। आपने फिर गलत तरह की वीडियो चला के चलाने की कोशिश की और आदरणीय मोहन भागवत जी के बारे में बोला। नहीं नहीं, वो ये पूछ रहे हैं, गृहमंत्री जी के बारे में वो कह रहे हैं आपने FIR करवा दी उनकी, वो भी FIR करवाएंगे आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में हम भी बुलाएंगे बीजेपी नेताओं को जो फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। अरे भाई, यह तो इमरजेंसी के टाइम से हम लोग को बंद करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बंद कर दिया इमरजेंसी के टाइम से, करें ना कुछ, हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो हो रहा है, इनके सामने पूरे तौर से एक्सपोज हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जब इनको जब साफ दिखता है कि हार बिल्कुल हार साफ दिख रहा है, पूरे देश में नकारे जा चुके हैं, तो झूठ का सहारा और डीप फेक स्टूडियो का वीडियो का सहारा ले रहे हैं ताकि किसी तरह से लोगों को गुमराह करे। लेकिन जनता भी जान चुकी है कि ऐसी पार्टी जिसका जनाधार खत्म हो चुका है तो उसको मजबूरन इस तरह के काम करने पड़ते हैं कि थोड़ा लोग शायद ट्रैक्शन मिल जाए, लेकिन ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव ट्रैक्शन मिला है और उस नेगेटिव ट्रैक्शन की वजह से मुझे लगता है कि इनको जी अभी मैं जो एकाक दो सीट कहीं का दुक्का सीट अलग अलग स्टेट में आ रही थी वो भी नहीं आएगा। अरे क्या जवाब दीजिएगा, वीडियो सामने देखा नहीं सापरा जी? सामने वीडियो देखा कि नहीं पहले ये बताइए, क्यों झूठ क्यों झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? गौरव, क्यों अलग अलग चीज नए नए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि आप गौरव जी इन्होंने मेरी चार बातों का जवाब नहीं दिया। प्राजल रेवन्ना जो है उसकी वीडियो का जवाब नहीं दिया, मणिपुर की वायरल वीडियो का जवाब नहीं दिया, ब्रिजभूषण शर्मा की वायरल वीडियो का जवाब नहीं दिया, और वो BHU के कैंपस की जो बातें हैं उसका कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये आगे रिजर्वेशन पे, अब मैं रिजर्वेशन पे इनको पूछना चाहता हूं कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं हटाना चाहते तो 2015 में मोहन भागवत जी ने क्यों कहा था कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए? 2017 में मनमोहन वैद्य ने क्यों कहा था कि आरक्षण पूरी तरह से हट जाना चाहिए? गुरु गोलवलकर ने तो लिखा है 2019 का इलेक्शन हो गया, आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण के विरोध में लिखा है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी। अच्छा ठीक है, राजकुमार भाटी का टर्न है अभी, नहीं ऐसे आपस में बोलते रहेंगे समय खत्म हो जाएगा। राजकुमार भाटी को लाइए, भाटी साहब कुर्बानी, मैं तो आपसे कुर्बानी पे सवाल लेना चाहता हूँ। डीप फेक के बारे में बात हो रही है, डीप फेक वीडियोस पे भी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के संभल से प्रत्याशी जियाउर रहमान बग के उस बयान का समर्थन करती है जिसमें वो कह रहे हैं अतीक अहमद साहब की कुर्बानी हुई, मुख्तार अहमद साहब की कुर्बानी हुई, इसको जाया मत जाने देना? नहीं, दोनों की मौत हुई है उस मौत पे संदेह है, उनके परिवार को संदेह है, समाज के बहुत बड़े तबके को संदेह है, और अगर कहीं किसी घटना पे संदेह है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें तो कुछ गलत नहीं है, बयान में कुछ गलत नहीं है, इससे ज्यादा आप नहीं मानते कि वो जो माफिया जिसकी जिसने बहुत सारे लोगों को सताया वो कुर्बानी है, आप ये मानते हैं? नहीं, तो आप देश के कानून में आप सुधार करवा दें कि पुलिस को मारने का अधिकार होगा या जेल में जहर दे के मारने का अधिकार होगा, कोर्ट की न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है, भारत में संविधान की कोई जरूरत नहीं है, कानून IPC की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सुधार करवा दें आप, फिर हम कहना बंद कर देंगे। मैं तो अगर देश का कानून ये कहता है कि कोई समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन सजा,
ऑफिशियल लाइन हमारी ये है कि देश के कानून का पालन होना चाहिए, देश के संविधान का पालन होना चाहिए, देश के हर नागरिक को न्याय मांगने का अधिकार है जो हमारा संविधान हमें देता है, जो बाबा साहब के द्वारा लिखित भारत का संविधान देता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, जिसको खत्म करना चाहती है। और ये जो आप, मैं इसमें जोड़ दूंगा अगली बात जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं कि ये एक तो फेक वीडियो आ गई, चलो ये मैं मान लेता हूँ कि इसमें कुछ जोड़ तोड़ की गई है, और फेक न्यूज चलाना, फेक वीडियो चलाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20 नेताओं के असली वीडियो भी तो चल रहे हैं जिसमें वो खुल के कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें आरक्षण समाप्त करना है, हमें जाति आरक्षण खत्म करना है और हमें भारत का संविधान बदलना है। नाम बताइए, कहें तो मैं आप दो चार के नाम बता दूं आपको, नाम बताइए जो मेरठ से लड़े थे, दो चार नहीं आप 20 के नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बताइए। हाँ, राजस्थान के इनके नेता करोड़ी लाल मीना, उनका वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, मेरठ से इनके प्रत्याशी अरुण गोविल जो राम की अब भूमिका की थी जिन्होंने सीरियल में, वो खुद कह रहे हैं आपको, और इनके और जो अभी असली वीडियो दिखाओ, असली वीडियो दिखाए, एक मिनट बोलने दीजिए, जफर इस्लाम बोलने दीजिए। देखिए अब बीच में पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हैं, हम तो चुप बैठे थे। दूसरी बात गौरव जी, मैं एक बात और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन इसका है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, अरुण गोविल ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्या कहा उन्होंने, क्लियर तो कीजिए। जी जी हाँ, दोनों बातें कही है, करोड़ीलाल मीणा ने भी कही है, अरुण गोविल ने भी कही है, मोहन भागवत ने भी कहा था कुछ साल पहले कि हम आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, इनके जो अमित मालवीय जो इनके आईटी सेल के हेड हैं, उनके 20 ट्वीट मेरे पास है जिनमें उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और ये सब चीजें हम करेंगे। लेकिन मैं जो ये फेक वीडियो, इस पे एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ आपसे इजाजत लेके, कि इस झूठ की फैक्ट्री और फर्जीवाड़े की फैक्ट्री तो बीजेपी चलाती है, ये जो फेक न्यूज यूनिवर्सिटी है इसके वाइस चांसलर तो अमित शाह हैं। अमित शाह का वीडियो आप 22 सितंबर 2018 का सुनिए, आप वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, कोटा में उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुद कहा था कि फर्जी वीडियो और फर्जी खबरें भी कभी कभी चला देनी चाहिए, इनसे लाभ मिलता है, और उन्होंने उदाहरण दिया था कि हमारी आईटी सेल ने यूपी में एक फर्जी खबर चलाई थी कि श्री अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को थप्पड़ मारा, वो कह रहे खबर झूठ थी लेकिन इससे हमें चुनावी लाभ हुआ। अच्छा, ऐसी झूठी खबरें भी चलाते रहे। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए, अमित शाह कह रहे, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो गड्ढा अमित शाह ने खोदा था, जवाब लेते हैं जफर इस्लाम, इसमें खुद आज गिर गए तो उन्हें जो मैंने कहा कि एक भी नहीं, नहीं मैंने कहा, मैंने उनसे पूछता हूं, एक भी आदमी का दिखा दीजिए गूगल करके कहीं से भी लाके कि जिन्होंने कहा रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जरा देखिए राहुल गांधी जी के बेहद करीबी अलवर के जिला अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है रिजर्वेशन खत्म होने का समय आ गया है, ये देखिए उनका वीडियो भी है, देख लीजिए यहाँ पर, ये उनका पूरा पूरा वीडियो है जो उन्होंने अलवर के जिला अध्यक्ष जो राहुल गांधी के करीबी हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं कि यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए, ये सारे रिजर्वेशन खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं और उसके ऊपर फेक वीडियो बनाने की नहीं, लेकिन 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 जफर इस्लाम देखिए, एक वीडियो जफर इस्लाम, एक वीडियो जो अरुण गोविल का आया था उसमें उन्होंने ये तो कहा था कि संविधान 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, वो भी फेक वीडियो था। देखिए ऐसा नहीं, देखिए संविधान, ये संविधान बदलने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि संविधान चेंज ही नहीं हो सकता, उसमें ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमने संविधान, हमें जब मैंडेट मिला तो हमने 370 निकाला, हमने ट्रिपल तलाक निकाला, हमने ऐसे अच्छे लेजिस्लेशन लाए कि जो अंग्रेज के जमाने के जो पुलिस का जो कानून था वो खत्म किया, ऐसे बड़े बड़े काम किए जो देश की जनता और देश हित में हुआ है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, 2015 की बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं मनमोहन वैद्य जी के और आदरणीय मोहन भागवत जी के बारे में, वो तोड़ मोड़ के इन्होंने पेश किया, लेकिन 2019 का रिजल्ट देखिए, 2020 का रिजल्ट देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता अच्छा। का विश्वास हमारे साथ है, ये कुछ भी गबरा करने की कोशिश करे ये धरातल पे ही अपने, मैं दो वीडियो और दिखाऊंगा, मैं अभी दो वीडियो और दिखाऊंगा और वो दोनों रियल वीडियो है, फेक वीडियो नहीं है, मैं दो वीडियो भी और दिखाऊंगा, लेकिन पहले AI विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ हैं।
प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ आज आपकी बहुत जरूरत हो गई है इस डिबेट में, वो इसलिए क्योंकि लगातार बात हो रही है डीप फेक वीडियोस की। समझ में नहीं आता कौन सा वीडियो डीप फेक है और कौन सा वीडियो ओरिजिनल है। जो नेता अपनी तरफ से बात, जिसको समर्थन आती, जो उनके समर्थन में बात होती है, वो उसको कोट कर देते हैं। तो इस पॉलिटिकल माहौल में, इस चुनावी माहौल में हमारा दर्शक कैसे समझे कि जो वो वीडियो देख रहा है वो फेक है या वो रियल है? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी बहुत आराम से अगर वो ध्यान से देखे तो वो समझ सकता है, जो भी एक वीडियो डीप फेक तकनीक से बनाई गई होगी उसमें आपको बहुत अननेचुरल आई मूवमेंट्स नजर आएंगे। आपको इनकंसिस्टेंसी इन स्किन कलर दिखेगा, बहुत ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जैसे जो हमारी नेचुरल ब्लिंकिंग ऑफ आईज होती है जो हम किसी भी वीडियो में बात करते हैं, तो वो बहुत कम होगी। इसके अलावा आपकी जो बॉडी शेप, हेयर, इस सब वो थोड़ी सी अननेचुरल दिखेगी, उसमें थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आपको आराम से नजर आएगी। आपकी फेशियल पोजीशंस अगर बहुत ध्यान से गौर करेंगे आप तो वो भी थोड़ी इनकंसिस्टेंट नजर आएंगी। एंड लिप सिंक, जैसे अब हमारी जो लिप सिंकिंग है, जो हम शब्द बोल रहे हैं और जो लिप सिंकिंग है, उसमें भी एक डिफरेंस नजर आएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डीपफेक डिटेक्टर्स हैं, सो डीपफेक डिटेक्टर्स से ये आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सी वीडियो कौन सा डीपफेक कंटेंट है और कौन सी वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़, वीडियो या इमेज या ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास है रियलिटी डिफेंडर बाय AI फाउंडेशन, ये बिल्कुल एक जैसे एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर काम करते हैं, ये बिल्कुल उन्हीं तरह से काम करते हैं। एंड दूसरा है हमारे पास डीप ट्रेस प्रोग्राम बाय AI फर्म। सो ये दो हमारे पास जो टूल्स हैं, इनसे आसानी से हम फिल्टरिंग कर सकते हैं और पता लगाया जा सकता है। एक लॉजिकल बात कहें, जिसके पास ये टूल्स ना हो वो अगर उन वीडियो को ध्यान से देखे तो कुछ ऐसी चीज अटपटी लगेगी जिससे आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो डीप फेक हो सकता है, और फिर आप उसको रिसर्च करेंगे तो आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई है। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को डीप फेक वीडियोस के बारे में बताने के लिए। अब क्योंकि मैंने कहा था कि मैं दो बाइटें और दिखाऊंगा, दो वीडियो और दिखाऊंगा। एक वीडियो है मारिया आलम का, जो कि सलमान खुर्शीद की भतीजी है और जो वहां पर चुनावी कैंपेन के दौरान क्या कह रही थी वो सुनिए, और उसके बाद एक वीडियो जिसके बारे में राजकुमार भाटी जी से मैंने बात की थी। दोनों वीडियो दिखाइए जरा। अगर आप भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। आज जो हालात संबल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। पर याद रखना, जो कुर्बानी जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जिनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का सूत्र साफ होकर निकल देना। वैसे तो दोनों इंडिया के कैंडिडेट हैं लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी से हैं। भाटी साहब, अब बताइए मुझे, आप उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, आप बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, इन दोनों बयानों से क्या हो रहा है भाटी साहब? इन दोनों बयानों में क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियो तो रियल है ना भाटी साहब, या ये भी फेक है? आप जिहाद शब्द का अर्थ समझते हैं गौरव जी? आप जिहाद शब्द का अर्थ समझते हैं? जिहाद शब्द का अर्थ क्या है? मैंने आपसे जिहाद पे तो सवाल पूछा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरी बात जो वहां पे हुई, जो पूरा बयान सुना है, वही तो कह रही है कि शांति के साथ। नहीं, फिर से सुनाऊं मैं आपको? पूरी लाइन से सुनिएगा, फिर से सुनाऊं? नहीं, मैंने सुन लिया, मेरे कान ठीक ठाक है, मैंने सुन लिया। हाँ, मेरा जवाब तो सुन लो आप। उसमें यही तो कह रही है कि शांति के साथ जिहाद करना, जिहाद का मतलब होता है न्याय युद्ध, शांति न्याय के लिए संघर्ष करना, हक के लिए न्याय के लिए संघर्ष। उन्होंने बोला ही नहीं भाटी साहब, शांति के साथ ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं बोला। फिर खामोशी कही होगी, मैं शांति कह,
मैं शांति कह रहा हूं, हो सकता खामोशी कही हो। हाँ खामोशी बोला है, लेकिन नहीं कहा है, उसका अर्थ शांति होता है। खामोशी और शांति, तो खामोशी और शांति में क्या फर्क है यार? गौरव भाई आप तो पत्रकार हो, आप तो पत्रकार हो, कृपया आप तो ऐसे मत करो। खामोशी और शांति में क्या फर्क है भाई? हमें हिंदी बोलने की आदत है, हमने शांति कह दिया, उन्हें थोड़ा उर्दू के शब्द बोलने की आदत है, उन्होंने खामोशी कह दिया। अच्छा इसमें कौन सा फर्क पड़ गया? उनकी बातों में आपको तो ये भी कहना कि न्याय न्याय के लिए हमें संघर्ष करना बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको है, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। अब मेरी एक बात और सुन लो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपने कहा चलो सवाल उठाना आपका हक बनता है और हमें उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और उसका जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप इनके साथ चार पांच भाषण मोदी जी के भी जोड़ देते जो रोजाना झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस अगर आपके पिता ने चार कमरे का मकान बनाया कांग्रेस दो कमरे छीन लेगी, अगर आपके दो बच्चे नौकरी करते हैं कांग्रेस एक की नौकरी छीन लेगी, बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेगी, इतनी फर्जी बातें। अभी तो आप कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, इनकी तो ओरिजिनल इंटेलिजेंस ही खतरनाक है। मैं बोलूं इनकी तो जो ओरिजिनल भाषा है मैं बोलूं वो इतनी खतरनाक है। अब मैं देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा लगातार, ये सारी बातें जब जिस दिन उन्होंने कही वो सारी बातें टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाई गई हैं, चाहे वो संपत्ति के सर्वे की बात हो, चाहे वो दो कमरों का दो मकान हो तो एक मकान लेने की बात हो, प्रधानमंत्री ने जो कहा है जो मुस्लिमों को आरक्षण वाली बात हो, वो सारी बातें हमने दिखाई हैं। अब वो अलग बात है आपने देखी नहीं, आपने भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें उठाई और उन्हीं पर आप आरोप लगा दे रहे हैं। अगर आपने देखा होता तो शायद आप ये नहीं बोलते। मैंने दूसरी बात सुनिए, मैंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल पूछ रहे थे सर, आप बताइए कश्मीर में आतंकी जिस जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम होता है, उसका क्या मतलब होता है सर बताइए सर। देखिए सुनिए गौरव जी, अब हमें नहीं, हमें ये अंदाजा नहीं है कि हमें आपको क्लास भी देनी पड़ेगी पढ़ा, मैं बता रहा हूँ। हम कहते हैं महाभारत का नाम आपने सुना है, महाभारत हम कहते हैं वो धर्म युद्ध था, न्याय युद्ध था। राम रावण की लड़ाई न्याय के लिए थी, लेकिन कहीं आतंकवादी या अपराधी या डाकू या देशद्रोही किस्म के लोग भी अगर युद्ध शब्द का प्रयोग करने लगे तो उसके फिर अर्थ बदल जाते हैं। अगर एक पॉजिटिव वे में आप उसका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भाव मैं कुछ और होता है। आपसे आप मुझे क्लास दे रहे हैं नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं तो उसका भाव बदल जाता है। यहां पर कौन सा धर्म युद्ध लड़ रही है समाजवादी या इंडिया की कैंडिडेट बताइए ना, ये चुनाव कौन सा धर्म युद्ध है, किसके खिलाफ, किस धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? बताता हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शासन के भेदभाव के खिलाफ, शासन की तानाशाही के खिलाफ लड़ना राजनीतिक आदमी का धर्म है, इसलिए चुनाव हमारे लिए धर्म युद्ध है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए न्याय युद्ध है, धर्म युद्ध है चुनाव। तो इसलिए ये कहा जाता, ये आमतौर पर कहा जाता है भाषणों में, भाषणों में नेता अक्सर यूज करते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। नहीं आप हल्के में ले रहे हैं, हल्के में बहुत गंभीर बात, मुझे समझ में क्या आ रहा है, आप उठाकर देखिए भाषण में मालूम है क्या आ रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं सर, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को इधर से उठाकर इधर रखेंगे, इधर से उठाकर इधर रखेंगे। अभी वही सामने से जिहाद, यार इसमें मैंने तो कुछ घुमाया नहीं है क्या आप मुझे गौरव भाई? ठीक है जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता जवाब। आपने किसी नेता को ये कहते नहीं सुना कि हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, हमारी लड़ाई न्याय के लिए किसी नेता को कहते नहीं सुना आपने? नहीं सुना है, लेकिन वो न्याय के लिए नहीं बोल रही है, वो तो वोटों का जिहाद बोल रही है। अब वो जिहाद किस टर्म में यूज कर रही है वो आप अपनी कन्विनियंस के हिसाब से न्याय के लिए लड़ना है, आप अपनी कन्विनियंस के हिसाब से समझेंगे और दूसरा आप कन्विनियंस की डिक्शनरी उठाइए। लेकिन मुझे लगता है आप इस पर बीजेपी के प्रवक्ता को लाना चाहिए, आपने कई सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठा दिए, मुझे लगता है वो जवाब दें उसका। बताइए जफर इस्लाम, अगर आप इनको बोल रहे हैं कि ये वोटों के जिहाद को लेकर अगर आप इन पर सवाल उठा रहे हैं, आप अगर कुर्बानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो ये भी तो कह रहे हैं कि आपने भी तो बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो झूठ हैं, ये आप पे झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप, हमने जब बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में जो उनके मैनिफेस्टो से आया था, उसके बाद राहुल गांधी ने उसका जिक्र बहुत डिटेल में किया और राहुल गांधी कह रहे थे हम एक्सरे करेंगे, उस राहुल गांधी का ही एक्सरे कर दिया सैम पिटोडा ने, एक्सरे करके पूरा रिजल्ट दुनिया के देश के सामने रख दिया कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, ये फॉर्मूला है, इस तरह से हम देश की जनता का गाड़ी पसाई पसीना की कमाई को जो लोगों ने अपने अपने जीवन में कमाया अपने आगे आने वाले लोगों के लिए रखा है उनको छीनना चाहते हैं।
कोई ना कोई नया कानून लाके उससे ले लेंगे वापस। ये तो खुद कह दिया उनके जो सबसे निजी करीबी लोग हैं, सैम पेड्रोस में एक हैं, और उन्होंने कहा भाई कि आगे आने वाली पुश्तों के लिए जो हम कर रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं देश की जनता करे, हम उसको लूट लेंगे। नहीं लेकिन 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 एक मिनट, जफर इस्लाम सवाल क्या है? सवाल यह है कि केवल क्या कांग्रेस पार्टी डीप फेक वीडियो फैला रही है या बीजेपी के आईटी सेल से भी ऐसे वीडियो फैलाए गए हैं? ये साफ साफ कहा है यहाँ पर अभी जयराम रमेश ने अपने एक्सपोस्ट में कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कितने सारे वीडियो ये लोग फैलाते हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैंने कब कहा कि अगर आपको लगता है इसलिए कि ये तो भाषण दे रहे हैं कुछ लगता है तो आप कार्रवाई करवा लीजिए, आपकी सरकार है वहां पर कार्रवाई करवा लीजिए, कार्रवाई भाई साबरा साहब कार्रवाई कर सकते हैं, साबरा साहब कार्रवाई करवा लीजिए, आपकी सरकार है, अगर इन्होंने कुछ गलत कहा तो कार्रवाई करवा लीजिए। जवाब दीजिए साबरा साहब, ये एक्सपोज हो चुके हैं। जफर इस्लाम सुन लीजिए, हमारी तरफ से भी हम करने के लिए कहेंगे, एक मिनट अभी मेरी बात हो जाने दीजिए। जितना धैर्य से आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुनते हो ना उतने धैर्य से मुझे भी सुनो जरा। अरे मैं तो उन्हीं को रोक रहा हूं कि आप कार्रवाई करेंगे, हमारे राज्यों में जहां जहां सरकार है वहां पर निश्चित रूप से कंप्लेंट होगी। देखिए दूसरी बात, इन्होंने रिजर्वेशन आरक्षण की जो बातें कर रहे हैं मैं चाहूंगा कृपया बोले, आपके दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा, बोलने दीजिए, आपके दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा, व्याकुल मत होइए। सुनिए ऐसा है कि पहले यह बता दे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो मंडल वर्सेस करमंडल जो यात्रा करी थी वो किस लिए करी थी, ये सारी जनता को पता है, आप नहीं भी बताएंगे तो हमको पता है वो यात्रा क्यों हुई थी। आप रिजर्वेशन के खिलाफ है, मैं चार पांच उसके उदाहरण दे देता हूं। आप आरक्षण के इसलिए खिलाफ है क्योंकि आपके जो शासित राज्य है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ये डेटा है आपके पार्लियामेंट का डेटा उत्तर है कि 13.1% जो एट्रोसिटी है ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी पे, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़ा सबसे अधिक वहीं पे है। ये एक चीज। दूसरी चीज, आप इनकी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। तीसरा उदाहरण देता हूं कि ईडब्ल्यूएस में आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया। चौथी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन आप नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार करती जा रही है। आपने जितनी नवरत्न कंपनियां, चाहे वो सेल है, भेल है, गेल है, रेल है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, जितनी नवरत्न कंपनियां हैं वो सारी आपने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, और वहां पर जो रिजर्वेशन के तहत भर्ती होती थी वो अब नहीं हो रही है। आपके जो 30 लाख पद खाली है ना केंद्र सरकार में, उसमें 70% पद वो हैं जो आरक्षण पॉलिसी के तहत भरे जाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, ये सिद्ध होता है। आपने बजट के अंदर एससी एसटी ओबीसी का बजटरी प्रोविजन कम कर दिया है पिछले साल, तो ये बताता है ये बहुत गंभीर आरोप है, आरक्षण विरोधी है, बहुत गंभीर आरोप है। देखिए आप आरक्षण विरोधी हैं, जफर इस्लाम हो सकता है वो वीडियो, तीसरी बात सुनिए, अभी आखिरी बात बोल दीजिए, आखिरी बात ये है कि जो 400 पार का नारा इन्होंने लगाया ना, आपने दो उदाहरण किसी ने बताए, मैं आपको बता दूं कि ज्योति मिर्दा ने भी कहा है राजस्थान में, और लल्लू सिंह ने अयोध्या में कहा है, और इनके अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने कर्नाटक में कहा है कि 400 सीटें हमको दे दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे शर्म करिए, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलने की बात आपके पांच पांच नेता कर रहे हैं, और वो कोई फेक वीडियो नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी आकर के कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदली होगा। जवाब देते हैं साबरा साहब, जवाब देते हैं, अनुयायी को तो सिखा दो, जवाब देते हैं अपने अनुयायी को तो सिखा दो, अपने जवाब दीजिए। लेकिन लेकिन देखिए जफर इस्लाम ओके जफर इस्लाम, वो वीडियो फेक हो सकता है लेकिन ये आरोप अभी अभी आपके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन पर लगाए हैं, और ये बहुत गंभीर आरोप है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, ये सीधे सीधे आपके सबसे बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या काउंटर है आपके पास? देखिए और मैंने उदाहरण के साथ लगाया, उदाहरण इस्लाम बोलिए इनके पास अगर दम है तो यही ये अरे सुनिए, अरे दम है क्या, बहुत दम है, और यही इसीलिए तुम लोग हम लोग से कम हो, उदाहरण कि जमीन में तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो अब इस तरह की बातें जो है, अरे सुनिए आज प्रधानमंत्री जी सुनिए, अरे इधर भाषण बहुत सुन लिया तुम्हारा, अभी काम की बात सुनो। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, और तीन दिन पहले भी कहा है कि कोई माई का लाल रिजर्वेशन इस देश से खत्म नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस की नापाक
इरादे हैं तो मैं आज कह देता हूं इस देश के कि हर पॉलिटिकल पार्टी आपके खिलाफ खड़ी रहेगी। और यहां तक कहा कि इसमें कोई चेंजेस, अगर बाबा साहब भी आ जाए तो ये रिजर्वेशन अब नहीं खत्म हो सकता। जफर इस्लाम, मैं ये पूछ रहा हूं, जफर इस्लाम एक मिनट, जफर इस्लाम मुझे ही बताइए, जफर इस्लाम मुझे ही बताइए, सुनिए, ये आप इससे पहले ही बोल चुके हैं, इसी डिबेट में इससे पहले भी बोल चुके हैं, मुझे ये बताइए क्या कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को एक टाइट स्पॉट में फंसा दिया है? क्या आप लोगों के साथ आपको ये पोर्ट्रे करने की जो कोशिश की है कि आप आरक्षण विरोधी है, ये आपके लिए चुनाव में मुश्किल बन गई है क्या? आप लोगों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल बन गई कि इसका काउंटर कैसे करें? देखिए ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दो इनकी चाल तो 2014 ही से चल रही है, 2019 में भी यही सब बहुत नाटक किया इन लोगों ने, रिजल्ट आपके सामने है, 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस 2019 में, 2022 का इलेक्शन आया फिर वही नाटक किया और 2022 में फिर वही बुरी तरह हार हुई इनकी। तो जब जब इन्होंने कोशिश की मुंह के बल गिरे, इस बार भी जनता इनको सही रास्ता सही फैसला सुनाएगी। ठीक है, अब जनता की फैसला सुनाएगी, जनता के फैसले के इंतजार में तो हम भी हैं कि देखते हैं किसकी बात पर जनता विश्वास करती है।